थराली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीतने का दम भर रही हैं। वहीं दूसरी ओर पीसीसी उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। धस्माना ने कहा है कि थराली उपचुनाव जीतने के लिए सरकार सरकारी वाहनों का दुरुपयोग कर रही है, साथ ही बीजेपी पर लोगों को पैसा और खुलेआम शराब बांटने का भी गंभीर आरोप लगाया। धस्माना ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार सफाई कर्मियों की मांग नहीं मानती है तो हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वहीं उत्तराखंड की 7 नगर निगम की सीटों पर आरक्षण की अधिसूचना, कहा कि सरकार ने मनमाफिक तरीके से मेयर सीट का आरक्षण किया है और इसका परिणाम सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिस बात के लिए अरबों खरबों रुपए प्रधानमंत्री या नगर विकास, देखिए थराली में सरकार और बीजेपी वहां पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुलेआम पैसा शराब डराना धमकाना, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग वो थराली में हो रहा है। वहां पर पिछले एक महीने से एक मिनिस्टर तो कैंप किए हुए हैं परमानेंट, जो वहां पर चुनाव को प्रभावित भी कर रहे हैं। वहाँ पर जो भाजपा के बागी थे, ठीक है उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला था, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया गया, जिस प्रकार से उनको प्रलोभन देकर के बैठाने का काम किया गया, वो सारे चमोली के लोगों को मालूम है, पूरे थराली।